17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं के ऐलान कर दिया गया है। ऋषभ शेट्टी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इसके अलावा भी संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार कांतारा को मिला है। अब इस बड़ी सफलता के बाद फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी काफी उत्साहित है और उन्होंने अपनी जीत की खुशी जाहिर की है। बताते चले कि उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने दर्शकों को दिया है, साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें फैंस का समर्थन जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बताते चले कि ऋषभ शेट्टी काफी ज्यादा खुश है, आफ्टर ऑल उन्होंने नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर का जो जीता। बताते चले कि ऋषभ शेट्टी ने कुछ इस प्रकार से अपनी खुशी को जाहिर किया। ऋषभ शेट्टी ने अपने फैंस के लिए खास संदेश साझा किया है। उनका कहना है, मैं कंतारा के लिए नेशनल अवार्ड का सम्मान कर रहा हूँ और सम्मान पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सबको जो इस सफर का हिस्सा रहे, बेहतरीन आर्टिज्म की टीम, तकनीशियनों की टीम और खास करके होमबेल फिल्म्स का, दर्शकों ने इस फिल्म को सफल बनाया है। उनका समर्थन मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करा रहा है। मैं अपने दर्शकों के लिए और भी बेहतर फिल्म बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कमिटेड हूँ। साथ ही मैं खूब सारे सम्मान के साथ मैं ये अवार्ड को स्वीकार करता हूँ। हमारे करने दर्शकों दयावला तर्क और अपू सर को डेडिकेट करता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि दैवीय आशीर्वाद से हमें खास पल तक पहुंचते हैं। ऋषभ शेट्टी के कांतारा अपनी मूल भाषा कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब किए गए हैं। संस्करणों में बात करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, साथ ही हिंदी डब संस्करण नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। कांतारा फिल्म की कहानी कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की पौराणिक कथा पर आधारित है। बताते चले कि 200 साल पुराने इस कहानी में हत्या, बदला और इंसाफ की कहानी है और एक युवा आदिवासी अपने दादा की मौत का बदला लेता है और यहाँ तक कि पूरे समाज को इंसाफ दिलाता है। इस दौरान कर्नाटक के क्लासिकल टाइटल यानी कि क्लासिकल ट्राइबल डांस की झलक भी देखने को मिलती है। फिल्म में दिखाया गया है कि आदिवासी समाज जंगलों का रक्षक है और वो नेचर से जुड़े रहने के संदेश को कई लोगों तक पहुँचाता है। आपकी इस पर क्या राय, कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहना।